साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक उज्जैन। जय श्री महाकाल। मालवा न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूँ श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं मालवा न्यूज की तमाम खबरों की ओर। हमारे शहर उज्जैन के बजरंग नगर इलाके में रहने वाले पति पत्नी और उसके साथ के 3 लोग राजस्थान के बूंदी जिले में सस्ते सोने के चक्कर में ठग लिए गए हैं। ठगों ने इन्हें 5 लाख रुपए लेकर बूंदी के रामनगर इलाके में बुलवाया। यहां इन्हें जमकर पीटा और रुपए लूट कर इन्हें भगा दिया। लूट और मारपीट की यह घटना बजरंग नगर में रहने वाले ड्राइवर संतोष राठौर, उसकी पत्नी श्यामलता, साले किशन और 2 दोस्त राहुल व्यास और संदीप के साथ हुई है। 1 फरवरी को संतोष राठौर और श्यामलता राजस्थान में सांवरिया सेठ और खाटू श्याम के दर्शन करने गए थे। यहीं इन्हें जयपाल नाम का शख्स मिला। जयपाल ने इन्हें बताया कि उसके पास जमीन से निकला सोना है जिसे सस्ते दाम पर बेचना है। उज्जैन आकर संतोष राठौर ने साले किशन और दोस्त राहुल व्यास और संदीप को यह बात बताई। फोन पर जयपाल के साथ 2 लाख रुपए प्रति 100 ग्राम में सौदा तय किया। रुपए जुटाने के लिए संतोष ने अपनी गाड़ी तक बेच दी। 17 फरवरी बुधवार के सुबह 5 लोग बूंदी के रामनगर में सस्ता सोना खरीदने पहुंचे। यहां कथित जयपाल और उसके साथियों ने इनके साथ मारपीट कर रुपए छीन लिए और इन्हें भगा दिया। बूंदी में ही इन लोगों ने मामले की FIR दर्ज करवाई है। गुरुवार को ही उज्जैन शहर में भी पवांसा इलाके में पुलिस और प्रशासन के संयुक्त टीम ने गुंडे का मकान ध्वस्त कर दिया। पवांसा क्षेत्र की त्रिवेदी कॉलोनी में रहने वाले गुंडे आकाश पड़े पिता ओम प्रकाश के खिलाफ चिमनगंज और पवांसा थाना क्षेत्र में 30 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। राज्य सुरक्षा कानून के तहत फिलहाल वह जेल में बंद है। भूमाफियों के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई जारी है, इसी को लेकर आज आकाश बड़े निवासी पवासा जिसके विरुद्ध 30 अपराध पंजीबद्ध हैं, NSA किया जा चुका है, जिसके अंदर चोरी, अड़ीबाजी, घर में घुसकर मारपीट। इस आरोपी बदमाश गुंडे बदमाश ने थाना क्षेत्र में बहुत आतंक फैला रखा था। आज इसके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा जमींदोज किया जा रहा है, जिसमें पुलिस बल और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। गुंडों और अवैध धंधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त मुहिम गुरुवार को नागदा में चली। नागदा के श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले सटोरिये दीपक जैन का अवैध मकान प्रशासनिक टीम ने ध्वस्त कर दिया। 2 दिन पहले ही दीपक जैन के इसी मकान पर दबिश देकर पुलिस ने 40,000 रुपये का सट्टा पकड़ा था। दीपक जैन के खिलाफ नागदा थाने में कई अपराध दर्ज हैं। गुरुवार सुबह CSP मनोज रत्नाकर और SDM आशुतोष गोस्वामी फोर्स और नगर पालिका के अमले के साथ श्रीराम कॉलोनी पहुंचे। मनोज जैन का सामान बाहर निकलवाया और इसके बाद मशीनों से मकान दे दनादन। और माननीय कलेक्टर सर और SP के निर्देश में ही आज नागदा में भी प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें दीपक पिता ओम प्रकाश जैन और संजय पिता ओम प्रकाश जैन के खिलाफ धारा नागदा में विभिन्न 15 से 16 अपराध धूप अधिनियम और जुआ एक्ट के दर्ज थे, एवं बार बार यहाँ से शिकायतें भी आ रही, रहवासियों की भी शिकायत थी कि बार बार यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, जुआ ये सब चल रहा है। तो जब इसकी परमिशन लिखी, किसी प्रकार की कोई परमिशन लिखी नगर पालिका में, तो उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है और काफ़ी अच्छी सफल कार्रवाई रही है। उनके पहले से अपराध हैं, जिला बदर भी है, इसका लड़का दीपक जो है जिला बदर था, उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। फिर CMO साहब नगर पालिका से मेरे द्वारा निवेदन किया गया, तो इनके मकान का इसका नक्शा भी पास नहीं था जहाँ की ये सब अवैध गतिविधियाँ कर रहे थे। जैसे कि मध्य प्रदेश शासन की अनुशंसा है, मनशाए गुंडे बदमाशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी है, तो CMO साहब, मैं, SDM साहब, सब लोगों ने अपने अपने विभाग से मिल करके ये जो अवैध निर्माण था इसका, इसको डिसमेंटल किया गया है। निजी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से रुपए वसूले जाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है।
गुरुवार को एक बार फिर से चामुंडा माता चौराहा के नज़दीक महाजी सिंधिया स्कूल के बाहर पालकों ने हंगामा किया। इनका आरोप था कि स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन ट्यूशन फीस के एवज में तगड़ी रकम वसूलने के लिए दबाव बना रहा है। ट्यूशन के नाम पर केवल एक एक मिनट के वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाले जा रहे हैं। सिंधिया स्कूल में हम लोगों का आज बुलाया था मैडम सर ने, पिछले 15 दिनों से हम पहले भी आए थे, आवेदन दिया हम लोगों ने, उसके बाद उन्होंने बोला 15 दिन बाद आना, आपकी बात का निराकरण करेंगे हम। हम आज निराकरण किया गया क्या? नहीं, आज कोई निराकरण नहीं करिए, सिर्फ एक लेटर भेट में उन्होंने मोबाइल नंबर लिख लिए हैं और नाम लिख लिया है, बोला हम बताते हैं आपको, 2-3 दिन का वक्त और देते हैं। हम ये चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि हम लोगों के जो बच्चे हैं वो सिस्टमेटिक पढ़ें, हम एक ट्यूशन देने के लिए तैयार है, ये लोग दो मांग रहे हैं। हम चाहते हैं, इन लोगों ने हमें कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ाया हमारे बच्चों को, और इन्होंने हमें कहा था कि आज हमें जवाब देंगे कि एक फीस ये लोग माफ़ कर रहे हैं हम लोगों को। माफ़ी क्या सर, किस बात की माफ़ी, जब पढ़ाया ही नहीं तो फीस किस बात की दी जाए। इन्होंने हमें आज कहा था कि हम आप लोगों को जवाब दे देंगे, बट इन लोगों ने आज भी यही कहा कि आप एक इंस्टॉलमेंट अभी भर दीजिए, एक इंस्टॉलमेंट आपके पास जब पेमेंट हो, मतलब रिजल्ट वाले दिन दे सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में दे सकते हैं, बट देनी पड़ेगी। उनका इनडायरेक्टली यही कहना है कि आपको देनी पड़ेगी, बट क्यों दें सर, जब हमारे बच्चे को उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है तो क्यों दें हम इनको एक इंस्टॉलमेंट। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन जिसकी गतिविधियों के बारे में कई तरह के आरोप लग चुके हैं। राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर यह संगठन चर्चाओं में रहता है। बुधवार को हमारे शहर उज्जैन में भी PFI दिन भर चर्चाओं में रहा। बुधवार को शहर में कुछ लोगों ने PFI का स्थापना दिवस मनाया। 7 से 8 जगहों पर इस संगठन के झंडे लगाए गए। पुलिस को जैसे ही संदिग्ध झंडे लगाए जाने की सूचना मिली, इन्हें हटवा दिया गया। शाम को शहर के नागौरी मोहल्ला इलाके में PFI की एक पब्लिक मीटिंग भी आयोजित की गई। इस मीटिंग में PFI के प्रदेश अध्यक्ष कफिल रजा भी शामिल हुए थे। आयोजन पर पुलिस की भी नज़र बनी रही। घोषित तौर पर PFI एक समाजसेवी इस्लामिक संगठन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस संगठन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के कारण ही ये संगठन देश में खासा चर्चाओं में है। ऐसे में उज्जैन में PFI का आयोजन होना पुलिस के कान खड़े करने के लिए काफ़ी था। घटिया तहसील के गुराड़िया गुर्जर गांव में प्रशासन की टीम ने 13 किसानों को बेदखल कर लगभग 104 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। गुरुवार दोपहर घटिया SDM गोविंद दुबे और तहसीलदार शिवराम कना से फोर्स के साथ गुराड़िया गुर्जर गांव में पहुंचे और सरकारी घोषित जमीन पर प्रशासन का बोर्ड लगवा दिया। इस जमीन पर पिछले कई वर्षों से किसानों का कब्जा था। हाईकोर्ट में जमीन के स्वामित्व का प्रकरण लंबे समय तक विचाराधीन रहा। हाल ही में तहसीलदार न्यायालय से इस प्रकरण में किसानों के लिए बेदखली आदेश जारी किया गया है। जमीन पर फिलहाल फसल है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फसल तैयार होने पर इसे कटवा कर नीलाम कराया जाएगा। तो मेरा यह साहब से निवेदन है या प्रशासनिक अधिकारी से मेरा निवेदन है कि यह जो फसल अभी 5-7 दिन 8 दिन के अंदर यह फसल हमारी आ जाएगी, तो यह फसल देने के नष्ट अगर हो जाएगी तो हमारा परिवार कम से कम 100 बच्चे या 50 बच्चे है हमारे परिवार में, हम क्या खाएंगे अगर ये फसल नष्ट हो जाएगी तो। इसके अलावा हमारे पास में कोई ज़मीन नहीं है। पास हमारे बाप दादा की ज़मीन थी, खुद की, 1950 के पहले हमारे पूर्वजों के नाम से थी, और ये सिलिंग एक्ट में इन्होंने निकाल दी गई है शासन ने। तो हमारे SDM साहब और तहसीलदार श्रीमान जी ने हमारी कोई नहीं मानी और फसल को हमारी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं साहब जी। इसके लिए हमें यही विनती, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब कि हमारी फसल बचाई जाए, और हमारा इस्टे मिलने वाला हाईकोर्ट में विचाराधीन केस भी चल रहा है सर, तो उसके लिए हमें ये माफ़ी चाहते हैं हम कि हमारा फसल का बचा सके और हमारे बच्चे पालें। कम से कम 100 लोग साहब लगे हुए हैं इसके पीछे बच्चे। तहसील के ग्राम गुराड़िया गुर्जर में शासकीय ज़मीन पे करीब 13 लोगों का 100 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण था। इसमें तहसील न्यायालय से जो है विधिवत आदेश जारी करके बेदखली आदेश पारित किया गया था। इसी क्रम में हमारे द्वारा आज यहां आके कब्जा प्राप्त किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में 11 मार्च को होने वाली महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। गुरुवार को मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासन के बीच हुई बैठक में पर्व को लेकर सुझावों पर चर्चा हुई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से पिछले साल की शिवरात्रि की तैयारियों, दर्शन व्यवस्थाओं में कहां चूक रह गई थी, किस जगह से परेशानी आई थी, इन सारे विषयों पर फीडबैक लिए गए।
अगले सोमवार को एक बैठक फिर से होगी। इसमें महाशिवरात्रि पर्व की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी परंपरा के अनुसार ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और आज की मीटिंग में मुख्य जो विषय था कि जो पिछली बार की महाशिवरात्रि थी उस पर क्या क्या तैयारियां करी गई थी, किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही थी, क्या क्या वहाँ की अच्छी चीज़ें थी, कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर हमको परेशानियाँ आई थी, तो सभी से फीडबैक के संबंध में प्राप्त किया गया है। वर्तमान में स्थिति जो है पिछली बार से अगर हम लोग तुलना करें तो काफ़ी अलग है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी भी हमारे सामने है और एक नए कोरोना के फेस की भी बातें जो है लगातार चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िलों में हो रही हैं। इसके अलावा मंदिर के कई हिस्सों में अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हों चाहे उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हों, तो इन दो चीज़ों की भी अपने को दो चीज़ों का भी ध्यान रखना है और पिछली बार के जो हमारे अनुभव हैं जो हमारी सीखें उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फीडबैक लेते हुए अब हम लोग एक इंटरनल वर्किंग करेंगे अगले 2-3 दिनों में और उसके बाद में सोमवार की शाम को ये बैठक फिर से बुलाई जाएगी। जो हमारा प्रस्ताव होगा उस पर चर्चा होगी, उसमें जो भी सुझाव आएंगे जो भी संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे उसी हिसाब से काम करके हम लोग पूरी व्यवस्था को उस दिन फाइनल कर लेंगे। इंदौर से नई दिल्ली के बीच संचालित होने वाली स्पेशल ट्रेन का समय बदल गया है। यह ट्रेन अब हर रोज इंदौर से शाम 5:20 पर चलकर शाम 6:35 पर उज्जैन आएगी और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद नागदा के रास्ते नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। नई दिल्ली से यह ट्रेन हर रोज रात 9:50 पर चलकर अगले दिन सुबह 8:20 पर उज्जैन आएगी। 16 फरवरी से रेलवे ने इस ट्रेन के समय में परिवर्तन लागू कर दिया है। पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू है और ये गाड़ी पहले इंदौर से 4:35 दोपहर रवाना होती थी, अब ये 5:20 पर रवाना होगी और अगले दिन 6:20 पर नई दिल्ली पहुँचेगी। साथ ही नई दिल्ली से चलने वाली जो गाड़ी है वो 10 बजे रात को 10 बजे चलने वाली गाड़ी अब 9:50 पे चलेगी और यहाँ पे 10:00 इंदौर में 10:05 पर पहुँचेगी। तो ये गाड़ी को स्पीड अप किया गया है और इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा और उनका समय बचेगा। पेट्रोल के दाम गुरुवार को नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। पिछले 9 दिन से पेट्रोल के दाम औसत 30 पैसे हर रोज़ बढ़ रहे हैं। गुरुवार को शहर में पेट्रोल की कीमत 98.24 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। गुरुवार को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 101.17 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आम आदमी के लिए बड़ा मुद्दा है। हर घर के बजट पर इसका असर पड़ने लगा है। मामला गंभीर है लेकिन इस संवेदनशील विषय पर राजनीतिक मस्खरी हो रही है। बुधवार शाम युवक कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को ही देख लीजिए। युवक कांग्रेस ने गाड़ी धकाव आंदोलन किया। कोयला फाटक चौराहे पर बमुश्किल 50 लोग इकट्ठा हुए। 50 कदम दूर पेट्रोल पंप तक गाड़ी धकाकर पहुंचे और यहां 5-5 रुपये का पेट्रोल डलवाया। पब्लिक से जुड़े एक अहम विषय पर आंदोलन का जो तरीका युवक कांग्रेस ने अख्तियार किया उसमें गंभीरता कहीं नहीं थी। किसी भी तरह से ऐसा मैसेज जनता के बीच नहीं जा सका जिससे यह लगे कि कांग्रेस आम जनता के साथ खड़ी है, उनके दुख में तकलीफ में उनके साथ है। आंदोलन में मस्खरापन ज़्यादा और नौटंकी भी ज़्यादा रही। मालवा न्यूज़ के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मालवा न्यूज़ को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अब अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।